अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्सा, सीईओ एंड फाउंडर एट शोभा सॉफ्ट। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गेटिंग एडमिशन इनटू यूईटी विद मायरा हाशमी। मायरा हाशमी करंटली जो है बैच 20 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हैं फ्रॉम यूईटी लाहौर। बाकी का इंट्रोडक्शन उन्होंने एफएससी कहाँ से की, मैट्रिक कहाँ से किया, और इसके अलावा अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ, तो उन्हीं से पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मायरा हाशमी, रियली थैंक्स कि आप माशाल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि आपने जो है मैट्रिक, एफएससी और जो है इसके अलावा एजुकेशन, अपना करियर कहाँ से अचीव किया है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैट्रिक आई डिड फ्रॉम गैरिसन अकेडमी फॉर गर्ल्स लाहौर में ही, फ्रॉम फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एंड सिक्योर 1075 आउट ऑफ 1100। आफ्टरवर्ड्स आई गॉट एडमिटेड टू कनेट कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी। देयर आई गॉट एडमिटेड टू एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग। स्पेंड 2 years देयर एंड देन गॉट 1063 आउट ऑफ 1100 इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। Afterwards, I had a goal for this UET Lahore and then got admitted to UET where I'm currently doing BSc Electrical Engineering. माशाल्लाह, व्हाट एन इम्प्रेसिव जर्नी। अच्छा, मुझे बताते जाइएगा कि मतलब लाहौर में ऑब्वियसली एलम्स है, फास्ट है, इसके अलावा मतलब और बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपने जो है यूईटी लाहौर को ही क्यों प्रेफर किया जो है फॉर इंजीनियरिंग। ये हमेशा से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रही है सबको कि अगर हमने इंजीनियरिंग करनी है, बिजनेस करना है, कोई भी करनी है, कोई और मैनेजमेंट में जाना है, आईटी में जाना है, तो हम कौन सी वाली यूनिवर्सिटी पिक करें। आई हैड टू मतलब यू हैव डिफरेंट गोल्स, यू हैव डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन योर व्यू के यहाँ जाएँ के वहाँ जाएँ, लेकिन स्टिल व्हेन यू हैव टू चूज एंड गो फॉर इंजीनियरिंग एंड स्पेशली इलेक्ट्रिकल, यू नीड टू गो फॉर यूईटी लाहौर बिकॉज यूईटी लाहौर इज फेमस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। और फिर यहाँ की इंजीनियरिंग हमेशा अभी आजकल रैंकिंग में नास्ट जो है वो टॉप कर रही है, वी ऑल नो दिस। लेकिन रैंकिंग का सीन ये है कि हम लोग समझते हैं कि स्टडी, एजुकेशन और एनवायरनमेंट को लेते हुए हम लोग रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग इस तरह से नहीं होती। रैंकिंग डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च इज मेड इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, लाइक मास्टर्स लेवल पर, बैचलर्स लेवल पर रैंकिंग किस तरह से हो रही है, मतलब रिसर्चेस किस तरह से हो रही है, उसकी बेसिस पर फिर रैंकिंग होती है। तो हमारे जो यूईटी लाहौर है, इट इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग का। कोई भी वेन एवर वर्ड इंजीनियरिंग क्लिक्स, हमें एकदम से याद आता है कि नहीं, यूईटी लाहौर इज फेमस फॉर इंजीनियरिंग। तो यूईटी लाहौर जो है वो रैंकिंग में तो इस टाइम टॉप पर नहीं है, लेकिन वी नो कि यहाँ के इंजीनियरिंग और यहाँ के इंजीनियर अभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज्यादा मशहूर भी यूईटी लाहौर ही की है। जहाँ तक रिसर्चेस का मतलब ताल्लुक है, तो इसके लिए तो मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगी। लाइक हमें उस तरह की रिसोर्सेज नहीं मिलती हैं जिस तरह की प्राइवेट सेक्टर्स में मिलती हैं उनको रिसर्चेस करने के लिए और डिफरेंट चीज़ें करने के लिए। लेकिन जो यूईटी लाहौर है, जितना होता है, मतलब जहाँ तक एनवायरनमेंट का मतलब हम लोग, वी आर कंसर्न विद एनवायरनमेंट, वी आर कंसर्न विद सोसाइटीज, वी आर कंसर्न विद स्टडीज, वी आर कंसर्न विद ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो सब हमें यूईटी लाहौर में बहुत अच्छा मिलता है। वी हैव मेट आई हैव मेट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बेसिकली जो होते हैं वो यूईटी लाहौर के होते हैं, लेकिन उनका जो बेसिकली वो बिलोंग कहीं और से कर रहे होते हैं, लेकिन यूईटी लाहौर उनको ग्रूम इतना अच्छा कर देती है कि उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सक्सेसफुली वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, इसीलिए आई चोज यूईटी लाहौर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इससे तो फील आउट आ रही है कि आप बड़े मतलब डिटरमेंट थे शुरू से ही। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा, आपने जैसे तस्करा किया कि जो है यूईटी लाहौर के ग्रेजुएट्स अभी भी मार्केट में जो है जो मार्केट एवेल्यूएशन में सबसे ऊपर ही है, तो मुझे बताएं तो आपका अल्टीमेट यानी कि आप समझती हैं कि जिन्होंने मार्केट साइड पे मूव करना हो वो यूईटी लाहौर में आए, और जिन्होंने रिसर्च साइड पे जाना हो वो नस्क वगैरह पे जाए, या ये जो है मतलब दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो है अल्टीमेटली मार्केटिंग में भी ओके हैं, मार्केट में यानी ऐसे जॉब परस्पेक्टिव बात है। दोनों को प्रिविलेज मिलता है, लाइक यूईटी लाहौर और नास दोनों ही बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इंजीनियरिंग के लिए और लोग प्रेफर भी यही करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि रिसर्चेस के लिए नास इज फेमस, नास में बहुत ज़्यादा रिसर्चेस होती हैं, इवन साइंस फील्ड वहाँ पे अभी इमरान खान ने लॉन्च किया है। तो वो सब कुछ जो है इस वजह से, अगर आपने बैचलर्स के बाद, लाइक हमारे पाकिस्तान में काफ़ी लोग जो हैं दे बिलोंग टू मेडियोकर और एवरेज क्लास, ठीक है, दे आर नॉट लाइक एलीट क्लास। उनको चाहिए होता है कि वो बैचलर्स के बाद फॉरन ही अर्निंग करना शुरू कर दें फॉर देयर फैमिली, फॉर देमसेल्व्स, आगे पढ़ने के लिए भी। तो अगर वो करना है तो हमारी यूईटी लाहौर उसके लिए बहुत अच्छी है। लाइक आप बैचलर्स करें, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूईटीएंस को बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलता है। लाइक आप आते ही इसीलिए यूईटी, समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जाना नस्ट होता है, लेकिन फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि वो नस्ट
जा सकें और उनको वहाँ की फी पे कर सकें। तो अगर तो कोई हायर स्टडीज के लिए भी जाना चाहता है और रिसर्चेस करना चाहता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो दे मस्ट गो फॉर नास्ट, लाइक इफ दे हैव रिसोर्सेज, उनको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है उन्होंने मास्टर्स करना। लेकिन अगर उनको अर्निंग करनी है राइट आफ्टर देयर बैचलर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब चाहिए बीएस के फॉरन बाद, तो दे मस्ट चूज फॉर यूटी लाहौर। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट आउट किया है फी के रिगार्डिंग, तो फी के बारे में बता सकती हैं कि कितनी फीस है यूटी में? आपने कहा कि मिडिल क्लास कुड अफोर्ड इट इजीली, तो जो है यूटी के क्या चार्जेस हैं जो अभी करंटली हैं, ऑब्वियसली चेंज तो होते रहेंगे वक्त के साथ साथ। जी, डिफरेंट कैटेगरीज हैं फॉर एडमिशन, लाइक A1 कैटेगरी है, A2 है, सब्सिडाइज्ड कैटेगरी है, पार्शली सब्सिडाइज्ड, ओवरसीज की, तो हर कैटेगरी की जो है ना वेरी करती है। लेकिन जो A1 जो हमारी ओपन मेरिट सीट्स होती हैं उसकी फी पर सेमेस्टर वेरी करती है फ्रॉम 50 to 55,000, इसके मतलब दरम्यान में कोई भी वैल्यू कभी मतलब रेंज यही होती है, कभी वेरी कर जाती है 50 to 55 इट इज मोस्ट ऑफ पर ठीक है, सेमेस्टर। ठीक, सही। अच्छा, कोई जो है कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहा है, तो एक तो थोड़ा एडमिशन फॉर्म कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं, और मतलब टेस्टिंग सेंटर वगैरह कैसे बनते हैं, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? तो ये कोविड की वजह से वैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो जब हमारी जो यूईटी की वेबसाइट है वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हमें बस प्रॉस्पेक्टस लेना होता है यूईटी के कैंपस से। वहाँ पे हमारे पास एक उसके ऊपर हमें एक कोड मिलता है, एक नंबर मिलता है, वो हम एंटर करते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे आ जाती है। फिर हमारे पास एक फॉर्म अपियर होता है, उस फॉर्म के ऊपर हमने अपना सारा डेटा लिखना होता है, हमारे कितने मार्क्स आए हैं प्रीवियसली, हमने कहाँ से क्या क्या किया हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, और उसके बाद हमें एंट्री टेस्ट के लिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ इशू हो जाता है। फिर थोड़े दिन बाद हमें कैंपसेस अलॉट हो जाते हैं, हमें उसके बाद अब लाइक लास्ट ईयर हम लोग का एक मॉक टेस्ट हुआ था ताकि हमें ऑलरेडी पता लग जाए कि ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे होंगे। लाइक पहले ई कैट वॉज ऑन पेपर, नाउ इट वॉज ऑन कंप्यूटर, तो वो बताने के लिए हमारा पहले मॉक पेपर हुआ था। आफ्टर 1 वीक हमारा ओरिजिनल ई कैट का टेस्ट होता है। मॉक पेपर जो होता है वो प्रॉपर 100 क्वेश्चन पर नहीं होता, उसमें थोड़े कम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि वी गेट द नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कि हाउ टू अटेम्प्ट दोज, और फिर उसके बाद 1 वीक के बाद हमारा ई कैट ओरिजिनल जो असल होता है वो होता है। ठीक है, सही। अच्छा, एक आपने बता दिया कि जो है ना अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन आपको एक कह लें कि एक टेस्टिंग फेज से गुजार भी देते हैं बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एक्चुअल टेस्ट, के आपको पता चल जाए। तो मुझे बताइएगा टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एनी अदर ब्रांच जो है इंजीनियरिंग की? इसमें ICS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ICS वाले वो नहीं पढ़ते केमिस्ट्री, नहीं पढ़ते, दे गो फॉर कंप्यूटर। ठीक तो है, होता यह है कि 30 क्वेश्चंस आर फॉर फिजिक्स, 30 क्वेश्चंस आर फॉर मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री एंड 10 फॉर इंग्लिश। तो फॉर ICS वंस दैट केमिस्ट्री वंस आर रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर वंस, तो 30 कंप्यूटर के हो जाते हैं उनके ICS वालों के लिए, बाकी यही स्केड्यूल रहता है उनका। ठीक, सही सही। अच्छा, तो इसके लिए आपने एग्जांपल लेते हैं, आपने जो है बता दिए 30 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 30 फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो इसकी स्टडी के लिए आपने क्या कोर्स वर्क ही पढ़ा है, या मतलब कोई एकेडमी ज्वाइन की, या कैसे कैसे एक जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो बेहतर तरीके से टेस्टिंग में परफॉर्म कर सकता है? अच्छा, दो तरह की स्टडीज होती हैं, लाइक एक आपकी सेल्फ स्टडी होती है और एक वो होती है जो आप पढ़ते हो किसी से, कोई आपको पढ़ाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि खाली सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो जाता है, लाइक हम घर बैठे रहेंगे हमारी सारी तैयारी हो जाएगी, या कुछ लोग समझते हैं कि हम अकेडमी ही जाएंगे तो तैयारी होगी। तो ये दो डिफरेंस होते हैं, इसमें आपको दोनों ही चीज़ें इन पैरेलल लेकर चलनी पड़ती हैं। लाइक अगर आपको असिस्टेंस ही नहीं मिली, गाइडेंस ही नहीं मिली, लाइक ऑन विच ट्रैक यू हैव टू वॉक अपॉन, तो आप किस तरह से सेल्फ स्टडी कर लोगे? घर बैठे रहोगे, खुद पढ़ते रहोगे, नहीं ना पता लगेगा कितनी तैयारी हुई है, ना ही पता लगेगा कि कैसे पढ़ना है इस चीज को। तो आपको असिस्टेंस चाहिए होती है फ्रॉम द ओल्डर वंस, फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड वंस, वो आपको अकेडमी या किसी की प्रॉपर गाइडेंस से ही मिलती है। तो ये है कि आपने अकेडमी में भी पढ़ना है, ये नहीं कि अकेडमी जाना है तो अकेडमी ही सब कुछ करा देगी, अकेडमी में भी पढ़ना पड़ता है और फिर घर आकर भी पढ़ना पड़ता है। अकेडमी के साथ साथ सेल्फ स्टडी जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सुनते ही रहोगे कि ये करते जाओ और एंड पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, लाइक जब तक तो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं कर सकते। आई डिड फ्रॉम किप्स ई कैट की प्रेपरेशन, लेकिन हमारा कोविड आ गया था तो मेजरली इट वॉज फ्रॉम होम, मतलब स्टार्टिंग में किप्स दिसंबर में सेशन लॉन्च करा देता है ऑलरेडी, NET 1 होना होता है इन दिनों में, तो उसके लिए एक सेशन वो ऑलरेडी अनाउंस करा देता है, तो आप उसको साथ साथ लेकर चलते रहते हो, MCQs की भी तैयारी होती रहती है। उसके बाद मेजरली आई डिड फ्रॉम होम।
ठीक। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि एकेडमी जो है एक सेल्फ स्टडी के बारे में भी बता दिया। वो कह लें कि एक स्टूडेंट है जो वो चाहे रिमोट एरिया से है या किसी भी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सकता एकेडमी, तो वो ऑनलाइन कोई स्टडी का मेथड हो, इजी मेथड जिसमें उसकी फीस ना लगे, तो इस बारे में अगर कोई बेहतर गाइडेंस कर सके। यूईटी की जो पास्ट पेपर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर बहुत अवेलेबल होते हैं ई कैट के, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे साथ साथ पंजाब कॉलेज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है, उसके ऊपर काफ़ी ई कैट की प्रेपरेशन हो जाती है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो है एक और वेबसाइट है, दैट इज़ आई गेस इल्म की दुनिया या दूसरी, वहाँ पे जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो बहुत ऑथेंटिकेटेड होते हैं, तो वहाँ से आप लेकर आप इन्फॉर्मेशन, इवन जो यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं ई कैट के, काफी प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि इवन हमारे सीनियर्स भी ऐसे हैं जो ई कैट की प्रेपरेशन के लिए उनको गाइडेंस देने के लिए यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं एंड दे अपलोड देम। तो आई नो सर्टेन नंबर ऑफ देम जो हम अभी अभी कर रहे हैं इंजीनियरिंग, लाइक दे आर इन थर्ड सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, लाइक दे आर नॉट लाइक ग्रेजुएट्स, लेकिन स्टिल दे आर मेकिंग वीडियोस इन ऑर्डर टू यू नो गाइड द न्यू वंस एंड द न्यू कमर्स इन दिस फील्ड। ठीक है, तो ऐसा कि कोई चैनल जो आपको लगता हो कि जो है जिसमें बेहतर किस्म की गाइडेंस आप मेंशन करना चाह रहे हो। अच्छा, इसके लिए हमारी अपनी जो यूईटी की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आ जाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। मतलब एक हमारे सीनियर हैं, जिशान लीलिम का नाम है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मतलब हमें बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं इस बारे में। मैं अभी रिसेंटली ये जो अब 2021 में ई कैट हो रहा है, ये उन्हीं के मतलब वही सारा डील कर रहे हैं, वो बताते हैं, तो किसी को भी कोई असिस्टेंस चाहिए होती है तो वो उनको फिर कर लेता है, उनसे कॉन्टैक्ट कर लेता है। ठीक, सही है। ये तो मतलब जो यूटी में जो पढ़ रहे हैं शायद उनके लिए ये असिस्टेंस है, या मतलब ये ऑनलाइन भी वो असिस्ट कर देते हैं। ठीक ये ऑनलाइन भी असिस्ट करते हैं वो, उनका लिंक मैं आपको शायद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप शेयर कर सकते मैं इंशाल्लाह उसको पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो थोड़ा सा बताइएगा, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो भी एफएससी या मैट्रिक से आते होंगे, मेरे ख्याल में ओए लेवल वालों को थोड़ा सा एडवांटेज होता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आपने कैसे मेक श्योर किया था कि इंग्लिश की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकें। इंग्लिश की प्रेपरेशन। इंग्लिश जो होती है बेसिकली ई कैट में कॉम्प्रिहेंसिव होती है, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स होते हैं हमारे पास, और उस कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स में से उन्होंने हमें सर्टेन वर्ड्स को अंडरलाइन किया होता है, हमें बताना होता है कि वो ग्रामेटिकली क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो वोकैबुलरी उनकी क्या है, वोकैबुलरी वाइज इनका मतलब क्या है, और मतलब इस तरह की हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। तो उसको करने के लिए एक तो हमारे पास ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सेकेंडली हमारी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करते हैं, किस तरह से समझते हैं। एक लाइन लिखी हुई है, अगर हम उसको नहीं समझ पाते तो हम उसका आंसर भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारी एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए हमें डिफरेंट इंग्लिश के एसेस पढ़ते रहना चाहिए, नॉवल्स पढ़ने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं ले सकते, वोकैबुलरी भी सारी नहीं कर सकते लर्न, वो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि इतनी वास्ट लैंग्वेज है हर कोई, और हमारी मदर टंग भी नहीं है तो मुश्किल होता है। तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता, लेकिन उस सेंटेंस को पढ़ के हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है क्योंकि हम लोगों की मदर टंग तो ये है ही नहीं, तो इसके लिए हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके लिए हमारी रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं और किस किस कॉन्सेप्ट को हम ग्रास्प कर रहे हैं। तो इसके लिए इंग्लिश के लिए हमारी रीडिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की, नॉवेल्स की, और डिफरेंट इस तरह के मटेरियल की। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक तो चले आपने बेहतरी के लिए तो ऑब्वियसली सजेशन सही दी, तो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो आपने ऑब्जर्व किए हो जिनकी इंग्लिश वीक थी लेकिन ओवरऑल फिर भी वो ईकैट में बड़ा बेहतर परफॉर्म कर सके जो है। इंग्लिश वीक थी, ऐसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश वीक होती है लेकिन वो ई कैट में परफॉर्म कर जाते हैं। इधर फिर वही पॉइंट आता है कि उनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। कभी कभार ऐसा सेंटेंस लिखा होता है कि उसमें कोई वर्ड यू यूज हुआ हुआ है कि उन्हें समझ आ गया कि सेंटेंस का मतलब क्या है और वो क्या बताना चाह रहा है, लेकिन उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग नहीं आता, तो वो फिर ऑप्शन में दे सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर मीनिंग जो उनके माइंड से रिलेट कर रहा होता है, और फिर वो उसे मार्क कर देते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एज वेल एज योर एनालिटिकल स्किल्स। ठीक। अच्छा, आपने बता दिया, एक तो कोर्स वर्क तो ऑब्वियसली आप पढ़ के आएंगे अपनी किताबें वगैरह, इसके अलावा कोई जो है बुक जो आप समझते हो कि ये वाली ई कैड में मतलब इसमें से एमसीक्यूज या तो पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं या मतलब ओवरऑल जो है ये अगर ना भी आए तो मतलब आपको कम अज कम जो है कंसेप्चुअली ये समझा जरूर देता है, तो कोई इस तरह की बुक आप रिकमेंड करना चाह रहे हो रिगार्डिंग ई कैड टेस्टिंग।
इस तरह की बुक्स होती हैं, हमारे एक यूनिक अकेडमी इस तरह की काफ़ी बुक्स इशू करती है जो हमें कैजुअली बुक स्टोर से मिल जाती है। किप्स ठीक जो है होती है, किप्स हमें प्रोवाइड अपनी अकेडमी में ही करती है। लाइक अगर इफ़ यू आर देयर स्टूडेंट तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं वो विद योर रोल नंबर, और उनका प्रोसीजर इज़ लाइक कि अगर आप उनके स्टूडेंट हो तो आपको नोट्स मिलते हैं। उनके नोट्स आर वेरी हेल्पफुल, तो अगर आप ले सकते हो या आप वहाँ पे एनरोल्ड हो तो आप इजीली उनसे फ़ायदा ले सकते हो। इसी तरह से जो पंजाब कॉलेज के स्टेप वाले हैं वो भी ये होता है कि यू हैव टू जस्ट योर सेकंड स्टेप प्रोग्राम और उसके बाद आपको वो नोट्स देते हैं। तो अकेडमीज और ये वाले नोट्स दे आर मोस्टली यूजफुल इन दिस रिगार्ड। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने चले उम्मीद करते हैं कि कैंडिडेट ने एक टेस्ट पास कर लिया, तो उसके अलावा कोई सिलेक्शन का मेथड होता है, लाइक इंटरव्यू वगैरह या कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट आफ्टर गेटिंग जो है टेस्टिंग पास इन द यूएटी टेस्ट? नहीं, कोई पर्टिकुलर एज सच इंटरव्यू नहीं होता। बस ये होता है कि हमने टेस्ट एग्जाम पास किया है, हमारी मेरिट लिस्ट लगती है। इफ यू गॉट सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड इन विच वी हैव अप्लाइड और विच वाज आवर प्रेफरेंस, हम जाके फीस सबमिट कराते हैं एंड वी गॉट एडमिटेड। ठीक है। अच्छा, वैसे तो आप जैसे मोस्ट प्रॉबली आप खुद बेस स्कॉलर होंगे, तो हॉस्टल अवेलेबिलिटी का थोड़ा आइडिया है आपको कि मतलब हर जी, स्टूडेंट्स को मिल जाती? हॉस्टल्स अवेलेबल होते हैं, वो भी मेरिट पर अवेलेबल होते हैं। लाइक दे मेक अ मेरिट फॉर दैट हॉस्टल्स एज वेल। तो उसके बाद मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो हॉस्टल्स अलॉट होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेरिट पर, जो हमारा एग्रीगेट आया होता है इन आर एफएससी एंड ई कैट। और जो उसके बाद आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर हमारे सीजीपीएस जो होते हैं या जीपीएस जो होते हैं हमारे, उस पर अलॉटमेंट होती है हॉस्टल्स की। ठीक। तो हॉस्टल्स आर क्लीन, वैसे अच्छे हॉस्टल्स होते हैं इतने, मतलब लाइक दे आर कम्फर्टेबल टू गो। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, एक तो हो गया कि जो है ना ऑलरेडी यूटी की फीस भी बड़ी रीजनेबल नॉमिनल सी होती है, लेकिन इन केस कोई वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उस केस में यूनिवर्सिटी में कौन से ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं कि एक ग्रेजुएट जो पास जो कैंडिडेट है जो एडमिशन तो हो गया अब वो ग्रेजुएशन भी कर दे, तो इसके लिए क्या क्या यूटी ने फैसिलिटीज जो है वो रखी हुई है? हमारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं, लाइक यू कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम देम। हमारे लाइक मैंने बताया था ना स्टार्ट में कि वी हैव सर्टेन कैटेगरीज जिस पर डिपेंड करता है हमारा फीस स्ट्रक्चर, A1 होते हैं, A2 होते हैं। तो जो सेल्फ फाइनेंस पर होते हैं लोग, मतलब जो कि जैसे A2 कैटेगरी है हमारे पास, S है, S1 है, इस वाली पर हम लोग जो है नहीं ले सकते, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले सकते। लाइक दे आर ऑलरेडी ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब वो पहले ही आए हुए फाइनेंशियली हैं। तो बाकी जो A1 कैटेगरी और डिफरेंट ओपन मेरिट सीट्स जो है उसके ऊपर हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। लाइक 50% फी वेवर मिलता है अगर वो अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन को। लाइक दैट कैन बी इन लाइक इन एनी फॉर्म, लाइक वो किसी ऑफिस वर्क में दे सकते हैं, कोई हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी या क्लब में दे सकते हैं, कोई क्लीनिंग पर्पज दे कर, मतलब कोई क्लीनिंग करके, और मतलब इस तरह से वो 50% वेवर ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट PTAP की स्कॉलरशिप्स होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप्स होती हैं हमारे पास। फिर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और जो ऑर्फन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट होती हैं। इसी तरह ठीक से जो हमारे पास फाटा के स्टूडेंट्स और बलूचिस्तान के होते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। और फिर आती है मेरिट स्कॉलरशिप्स, वो डिपेंड करती हैं हमारे GPAs और पोजिशंस पर, वो फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें जो सेल्फ फाइनेंस पर भी स्टूडेंट्स आए होते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस वाली मेरिट स्कॉलरशिप्स पर जो पोजिशंस पर बेस करती है। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि यूजुअली जो भी एक स्टूडेंट जो है वो पास हो जाता है, एडमिशन ले लेता है, मोस्ट प्रॉबली वो ग्रेजुएशन भी कर जाता है। कहने के फीस जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहती कि आप जो है ग्रेजुएशन ना कर पाए हैं। अच्छा जी अच्छा थोड़ा सा ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मेजरली क्या क्या यूईटी लाहौर में कौन कौन सी डिग्रीज जो है वो ऑफर हो रही है करंट? इंजीनियरिंग की मेजरली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट होता है, IT अवेलेबल है हमारे पास, और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इसके साथ साथ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल इंजीनियरिंग, BS आर्किटेक्चर और पोलीमर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो अ डाइवर्स नंबर ऑफ, अ डाइवर्स फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग आर अवेलेबल। ठीक है। अच्छा इवन अच्छा अगर आपने BSc करना है मैथमेटिक्स में, इस्लामियात में, पाक स्टडीज में, इन एनी एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो भी अवेलेबल होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा, मुझे बताएं कि जो है और मेरे ख्याल में ये इन सब का जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स की होता होगा जो है इंजीनियरिंग की डिग्रीज का। जी अच्छा, किस तरह के कैंडिडेट्स हैं जो यूईटी में आके कंफर्टेबल फील करते हैं और किस तरह के जो मतलब रिस्ट्रिक्टेड सा फील करते हैं, क्योंकि हाँ नेचर टू नेचर डिपेंड करता है,
कुछ ऑब्वियसली यूटी में आके बड़े खुश होते होंगे, कुछ जो है वो नॉट सो मच हैप्पी वाला सीन भी होता है. तो आपने जो ऑब्जर्वेशन किया उसके मुताबिक किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए यूटी का कल्चर जो है वो बेनिफिशियल रहता है? ज्यादातर तो वो खुश होते हैं जो अपनी खुशी से आए होते हैं, लेकिन जो फोर्सफुली आए होते हैं लाइक दे वांट टू गो समवेयर एल्स और वो यहाँ आए होते हैं, वो ज्यादा खुश नहीं होते हैं. बाकी जो एनवायरनमेंट की बात है तो एनवायरनमेंट में ये है कि सोसाइटीज बहुत ज्यादा है. सबसे अच्छी सोसाइटीज यूटी में हमारे पास मिलती हैं, IEEE की, IET की, वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे देती हैं. तो लाइक जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, लाइक द वंस जो जा रहे होते हैं कि हम ना निकलें ना कम्युनिकेट करें ज्यादा लोगों से, उनको भी काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, काफी चांसेस मिल जाते हैं कि वो आए और आकर अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करें. तो ये होता है कि थोड़ा सा स्टार्ट में मुश्किल होती है हर किसी को, क्योंकि हम आए पहले FSC वाले बैकग्राउंड से होते हैं और फिर आते साथ एक डिफरेंट एनवायरमेंट होता है, तो एडजस्ट होने में सबको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दे गेट यूज टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट और फिर उनको मजा आने लग जाता है उस अपनी डिग्री में भी और यूनिवर्सिटी में भी, और इसके एनवायरमेंट में खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाती है. ठीक है, तो कोई फाइनल सजेशन कोई भी देना चाह रहे हो जाने से पहले के जो है ना, मतलब जो यूटी में आ रहे हैं, मतलब किस तरह के जो है स्टूडेंट्स वो जो है वो आने आए और किस तरह के स्टूडेंट्स जो है वो जो है अवॉइड करें जो है इस चीज को, यूटी को, या मतलब ओवरऑल कोई भी सजेशन, फाइनल सजेशन जाने से पहले. यूईटी आने से पहले लाइक कोई भी इंजीनियरिंग करने से पहले, मतलब स्पेसिफिकली अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने से पहले, मैं सबसे अब यहाँ आके मुझे मतलब एक्सपीरियंस जो 1 साल का, उसके बाद में यही एडवाइस करूंगी कि अगर किसी ने भी इस पर्टिकुलर फील्ड में आना है, लाइक आई हैव सर्टेन नंबर ऑफ कलीग जो ऑलरेडी कोर्सेज कर कर आए हुए हैं. लाइक काफी लोगों को नहीं इन्फॉर्मेशन होती है कोई कोर्सेज होते भी हैं बिफोर हैंड इससे इंजीनियरिंग से पहले, तो हम नहीं करते. वी वेस्ट आर टाइम आफ्टर दिस मैट्रिक एंड FSC इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के बाद हम काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं. तो उस उन दिनों में हमें कोई यूजफुल कोर्स कर लेना चाहिए. वो दैट इज़ नॉट टू लॉन्ग, लाइक इट्स ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट अबाउट 40 days और 30 days, समटाइम्स इवन ऑफ 15 days, बट यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. तो वो करके आए तो हमारी जो होती है ग्रास्पिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है, हमें ऑलरेडी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पर्टिकुलर कोर्सेज से ऑलरेडी, तो हमारे लिए एक्सेल करना थोड़ा आसान हो जाता है बनिस्बत उनके जो मतलब लाइक वी आर द न्यू कमर्स, वी आर लाइक फ्रेशीज टू दैट पर्टिकुलर कोर्स, तो वो सब कुछ कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है. लेकिन अगर ऑलरेडी थोड़ी बहुत सेंस होती है, नुहा होती है, तो हम लोग उसमें काफी अच्छा एक्सेल कर सकते हैं. तो वो टाइम इस करने से बेहतर है लाइक वी डू समथिंग इन दैट टाइम सो दैट वी कैन यूज दैट यूज आवर टाइम रादर देन वेस्टिंग दैम. माशाल्लाह, यू हैव ब्यूटीफुली सम अप द इंटरव्यू. तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली जो है आपके सारे पर्टिनेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप हो गए होंगे. तो जाने से पहले फाइनल थैंक यू मायरा हाशमीका के वो अपना माशाल्लाह कीमती वक्त निकाल के आए. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हामिर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.